मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। अमिताभ है लोकप्रियता में सबके बाप। अमिताभ बच्चन साल 2017-2018 में ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चित लोकप्रिय और ट्रेंडिंग बॉलीवुड स्टार हैं। स्कोर ट्रेंड्स इंडिया के अनुसार सितंबर 2017 से सितंबर 2018 में बाकी बॉलीवुड सितारों से ज्यादा शहंशाह अमिताभ बच्चन ही ज्यादा लोकप्रिय सेलिब्रिटी हैं। स्कोर ट्रेंड्स इंडिया वार्षिक चार्ट के अनुसार पिछले 52 हफ्तों में ट्विटर पर लोकप्रियता में अमिताभ बच्चन पहले स्थान पर, शाहरुख खान दूसरे स्थान पर, सलमान खान तीसरे पायदान पर, अक्षय कुमार चौथे और ऋतिक रोशन लोकप्रियता में पांचवें पायदान पर हैं। ट्विटर पर महानायक अमिताभ बच्चन की अविश्वसनीय फैन फॉलोइंग है। इतनी लोकप्रियता किसी भी भारतीय एक्टर को नहीं मिली है। वो अभिनय में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता में भी सबके बाप हैं। ब्यूटी अवार्ड में बॉलीवुड एक्ट्रेस। एल ब्यूटी अवार्ड शो में दीपिका पादुकोण सिल्वर शिवरिंग गाउन पहनकर इवेंट में पहुंची। ये गाउन गौरी और नैनिका ने डिजाइन किया था। दिशा पाटनी मैटलिक स्ट्रेपलेस गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। सोनाक्षी सिन्हा अमित अग्रवाल के डिजाइन किए हुए मैटलिक गाउन में पहुंची। अदिति राव हैदरी रेड लॉन्ग स्कर्ट और व्हाइट टी शर्ट के साथ काफी ग्लैमरस नजर आ रही थी। चित्रांगदा ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। कॉफी विद करण में जानवी और अर्जुन कपूर। करण जौहर का पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण का छठवां सीजन 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शो में मेहमान के तौर पर जानवी कपूर अपने भाई अर्जुन के साथ डेब्यू करेंगी। शो में वो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। कॉफी विद करण में सैफ अली खान और उनकी बेटी सारा भी शिरकत करेंगे। खुद करण ने ही सारा और सैफ को आमंत्रित किया है। इस बार शो में बॉलीवुड की कई पॉपुलर जोड़ियां नजर आ सकती हैं। इनमें सोनम आनंद से लेकर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली तक हो सकते हैं। रिशी कपूर से मिली सोनाली और प्रियंका। बॉलीवुड एक्टर रिशि कपूर न्यूयॉर्क में मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 29 सितंबर को उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। हाल ही में वो अनुपम खेर से मिले थे। अब प्रियंका चोपड़ा और सोनाली बेंद्रे से उनकी मुलाकात हुई है। प्रियंका चोपड़ा ने रिशि नीतू कपूर संग इंस्टा पर तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा, हमेशा हंसते रहें और खुश रहें। दूसरी एक तस्वीर में रिशि नीतू सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल संग नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस सोनाली न्यूयॉर्क में हाई ग्रेड कैंसर का इलाज करा रही हैं। अक्सर उनसे मिलने बॉलीवुड सेलिब्रिटी पहुंचते हैं। दिलीप कुमार फिर हॉस्पिटल में एडमिट। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को फिर से अस्पताल में एडमिट किया गया है। दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से जारी बयान के मुताबिक कल देर रात दिलीप साहब को अस्पताल में एडमिट किया गया। उन्हें निमोनिया का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनके बेहतर सेहत की दुआ करें। दिलीप कुमार के एक पारिवारिक मित्र फैसल फारूकी ने ट्विटर के माध्यम से इनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। दिलीप कुमार की उम्र 95 साल है। दिलीप कुमार काफी वृद्ध हो चुके हैं। वो आजकल सार्वजनिक मौकों पर नहीं जाते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। उनकी देखरेख पत्नी साइरा बानो करती है। रिलीज से पहले विवादों में भैयाजी सुपरहिट। सनी देओल और उनकी फिल्म भैयाजी सुपरहिट की टीम के 4 लोगों पर लीगल नोटिस जारी किया गया है। फिल्म की को प्रोड्यूसर फौजिया अर्शी ने ये आरोप सनी देओल समेत 4 लोगों पर लगाए हैं। फौजिया ने आरोप लगाया है कि फिल्म जब बननी शुरू हुई थी तब इसका बजट करीब 26 करोड़ रुपए बताया गया था। फिल्म का एक शेड्यूल खत्म होने के बाद नीरज ने फौजिया को फिल्म का कुल बजट 40 करोड़ रुपए बता दिया। जब फिल्म में कुछ और नए प्रोड्यूसर्स की एंट्री हुई तो उनको 4 करोड़ का चेक दिया गया था जो कि बाउंस हो गया था। फौजिया का आरोप है कि जो वादा उनसे किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। इस मामले में सनी देओल के अलावा निर्माता चिराग धारीवाल, निर्देशक नीरज पाठक और म्यूजिक कंपनी को लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है। कंगना ने किया सोनम पर पलटवार। सोनम ने कहा, मुझे लगता है कंगना बहुत कुछ कहती हैं, कभी कभी उन पर यकीन करना मुश्किल भी होता है। मुझे बहुत पसंद है कंगना का बेबाक रवैया। वो जो सोचती हैं, जिस पर यकीन करती हैं, वही बोलती हैं। जो लिखा गया है वो सच है तो ये बहुत बुरा है। इसके लिए दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। सोनम के इस बयान के बाद कंगना ने सोनम को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि वो होती कौन है उनके बारे में ऐसा कहने वाली। कंगना ने कहा कि सोनम के पास लाइसेंस है महिलाओं पर यकीन करने और ना करने का। वो कौन होती हैं इस पर सवाल उठाने वाली। मैं अपने पिता की वजह से नहीं जानी जाती, मैंने अपनी विश्वसनीयता खुद कमाई है 10 साल काम करने के बाद। नाना बोले, कल जो सच था आज भी वही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर विवाद में मामला काफी तूल पकड़ चुका है। कानूनी कार्रवाइयों की खबर सामने आने के बाद नाना ने अपने घर पर मीडिया से बातचीत की है। नाना ने कहा, 10 साल पहले जो सच था वही आज भी है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, थैंक यू वेरी मच। नाना ने लगाए तनुश्री दत्ता के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, मीडिया से मैं हमेशा मिलता रहता हूं, लेकिन इस मामले पर मेरे वकील ने कहा था चुप रहो, किसी से बात मत करो, इसलिए चुप था। वैसे मैं बता दूं, जो कल सच था वो आज सच है और वही सच रहेगा। अल्लाह के बंदे कैलाश खेर पे लगा सनसनीखेज आरोप।
तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर मामला गरमाने के बाद अब एक फोटो जर्नलिस्ट अल्लाह के बंदे सिंगर कैलाश खेर पर गलत ढंग से छूने का आरोप लगाया है। इस फोटो जर्नलिस्ट ने अपनी पूरी बात ट्विटर के माध्यम से बयां की है। 15 ट्वीट्स की सीरीज में 12 साल पुराने वाक्यों का विस्तार से उल्लेख किया है। जब ये फोटो जर्नलिस्ट एक बड़े पब्लिकेशन हाउस के साथ नई नई जुड़ी थी, कैलाश खेर पर आरोप है कि अपने घर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फोटो जर्नलिस्ट और उनकी सहकर्मी को गलत तरीके से छुआ। इंटरव्यू से लौटने के बाद जब उन्होंने इसका जिक्र अपने साथियों के साथ किया तो सभी ने इस घटना को बेहद हल्के तौर पर लिया। और खुद की हिफाजत खुद करने की नसीहत देने के साथ उन्हें खामोश कर दिया गया। संस्कारी बाबू पर महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। राइटर और फिल्ममेकर विंटा नंदा ने आलोक नाथ के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। विंटा ने एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट के जरिए बिना आलोक नाथ का नाम लिए लिखा, उन्होंने मेरे साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जब मैं साल 1994 के मशहूर शो तारा के लिए काम कर रही थी। वैसे तो विंटा ने इस फेसबुक पोस्ट में आलोक नाथ का नाम सीधे सीधे नहीं लिखा है, लेकिन जिस शो और जिस तरह से संस्कारी शब्द का इस्तेमाल विंटा ने किया है उससे ये साफ जाहिर है कि वो आलोक नाथ के ही बारे में बात कर रही है। लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट में विंटा ने लिखा, उनकी पत्नी मेरी अच्छी दोस्त थी, हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना था। आलोक नाथ का कहना था कि आज के जमाने में अगर कोई महिला किसी पुरुष पर आरोप लगाती है तो पुरुष का इस पर कुछ भी कहना मायने नहीं रखता, उन्हें अपने विचार रखने का हक है, समय आने पर सही बातें सामने आ जाएंगी, बाद में इस पर कमेंट करूंगा। फिल्म अंधाधुन का शानदार कलेक्शन। इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों में लव यात्री और अंधाधुन फिल्म शामिल हैं। इस कड़ी में फिल्मों के 3 दिन के कलेक्शन की तुलना करेंगे। फिल्म लव यात्री का 3 दिन का कुल कलेक्शन 6.5 करोड़ रहा। वहीं अंधाधुन फिल्म की बात करें तो ये फिल्म समीक्षकों की उम्मीदों पर शुरुआत से ही खरी उतरी। ये फिल्म अब तक कुल 14.65 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अंधाधुन के मुकाबले लव यात्री फिल्म कलेक्शन मामले में पिछड़ गई है। अंधाधुन फिल्म का बजट 17 करोड़ बताया जा रहा है तो वहीं लव यात्री फिल्म का बजट करीब 22 करोड़ बताया जा रहा है। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इस समय, देखते रहिए मायापुरी कट।